और चलिए बात करते हैं गणेश उत्सव की। अभिनेता सलमान खान की बहन अर्पिता शर्मा के आवास पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई हस्तियां गणपति दर्शन के लिए पहुंचे और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्यौहार काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा को लोगों ने अपने अपने घरों में विराजमान किया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी गणेश उत्सव का माहौल है। सलमान खान की बहन अर्पिता ने भी अपने घर पर गणपति की स्थापना की है। गणपति बप्पा के दर्शन के लिए अभिनेता सलमान खान एक बार फिर अपनी बहन के घर पहुँचे और भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी नजर आए। उन्होंने बड़ों का आशीर्वाद लिया और सलमान खान के परिजनों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। गुजरात के सूरत में बना गणपति का पूजा पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां पूजा पंडाल को मैसूर पैलेस का रूप दिया गया है। गुजरात में भी गणपति पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। सूरत जिले में कर्नाटक के मैसूर पैलेस की थीम पर पूजा का पंडाल बनाया गया है। पंडाल को रंगीन रोशनी से जगमग किया गया है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मैसूर पैलेस में जैसा डेकोरेट रहता है। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। थीम भी बहुत अच्छी है। हम बहुत यहाँ पे घूमे हैं, बहुत सारे पंडाल गए हैं, लेकिन सबसे सुंदर हमें ये लगा है। पंडाल में करीब 50 से 55 मूर्तियाँ स्थापित की गयी है। पंडाल बनाने पर करीब 25 लाख रुपए की लागत आई है। इधर मुंबई के घाटकोपर में मेट्रो ट्रेन की थीम पर पंडाल को तैयार किया गया है। मेट्रो ट्रेन के कोच में गणपति की इको फ्रेंडली मूर्ति स्थापित की गई है। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान गणपति बप्पा के तरह तरह के रूप देखने को मिल रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से भगवान गणेश की भक्ति में डूबा है। मिनिएचर को तैयार करने वाले आर्टिस्ट राहुल वरिया ने घाटकोपर में मुंबई मेट्रो की थीम पर गणेश पंडाल बनाया है। मेट्रो कार के बीच में गणपति बप्पा की करीब 1 फीट की इको फ्रेंडली मूर्ति स्थापित की गई है। पंडाल में घाटकोपर के इलाके को भी बखूबी प्रदर्शित किया गया है। राहुल ने बताया कि गणेश उत्सव के लिए करीब 1 माह पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी।